दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं Redmi 6 Pro के बारे में। अगर आपको इसका MI अकाउंट अनलॉक करना है तो MI अकाउंट अनलॉक करने के लिए पहले आपके पास जो है अनलॉक टूल होना चाहिए और अनलॉक टूल अगर आप ओपन करेंगे तो यहां पे MI जो आपका टूल है इसे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद सर्वर पर चेक लगाना होगा। यहां पे सर्वर पर चेक लगाने के बाद आपको फाइल सिलेक्ट करना होगा FRP फाइल। तो FRP फाइल यहां पे फोल्डर पे क्लिक करके आप FRP फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे डेस्कटॉप पे पहले से यहां पे FRP फाइल है Redmi 6 Pro का। तो डेस्कटॉप पर हम जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे रेडमी हम टाइप करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली जो रेडमी का फोल्डर आ जाएगा उसके बाद हम यहाँ से FRP फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेडमी 6 प्रो का FRP फाइल MI अकाउंट फाइल जो है मेरे पास है और इस फोल्डर पे हम रेगुलर जो है आपको कंटिन्यू इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जब ये पूरा जो खत्म हो जाएगा कुछ दिखाई नहीं देगा, शो नहीं करेगा कुछ भी, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे लोड पे नीचे में क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो है FRP फाइल लोड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने कुछ शो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे लोड पे हमने क्लिक किया, ये फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हमें करना क्या होगा कि मॉडल नंबर सेलेक्ट करना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक यहाँ पे आप मॉडल नंबर सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक FRP फाइल भी अगर आपके पास रहेगा फिर भी जो है वो अनलॉक नहीं होगा। मॉडल नंबर परफेक्ट यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। जब तक आप परफेक्ट मॉडल नंबर जो है सेलेक्ट नहीं करोगे यहाँ पे तब तक आप जो MI अकाउंट जो है रिमूव नहीं होगा। तो चलिए पहले हम यहाँ पे Redmi 6 Pro का मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मॉडल नंबर सेलेक्ट करने के बाद कुछ भी नहीं करना होता, बस सिंपल सा प्रोसेस है। सिर्फ आपको यहाँ पे फ्लैश बटन पर क्लिक करना होता है, ठीक है। जैसे आप फ्लैश बटन पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली जो है इस मोबाइल में फ्लैश हो जाएगा ये फाइल और इसका MI अकाउंट प्लस FRP गूगल अकाउंट दोनों एक साथ रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और विदाउट फाइल अगर आप करने की कोशिश करोगे तो आपके मोबाइल में प्रॉब्लम आ जाएगा, इसलिए जो है फाइल को सिलेक्ट करके ही MI अकाउंट रिमूव करना है इस टूल से। और Redmi 6 Pro का FRP फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आप चाहें तो अनलॉक टूल की वेबसाइट से भी जो है FRP फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, MI का फ्लैश फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मॉडल होगा उसका फ्लैश फाइल आपको अनलॉक टूल की वेबसाइट पर मिल जाएगा। और अगर आप इस टूल को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझे उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसी नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस टूल को खरीदने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।